नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लोटस प्रेगनेंसी केयर। अगर आप जल्द ही माँ बनने वाली हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके बेबी बम के आकार को देखकर बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कई अनुभवी महिलाएं होने वाली माँ के पेट को देखकर ये बता देती है कि उनके गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की। इसके अलावा गर्भवती महिला के पेट को देखकर ये भी जाना जा सकता है कि बच्चे का कितना विकास हुआ है। वहीं अगर आपको कहा जाए कि आपका बच्चा स्मॉल फॉर डेट्स है, तो ये आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के पेट का आकार उनके शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है। जैसे कि लंबी महिलाओं के पेट का आकार अलग होता है, तो नाटी महिलाओं का पेट का आकार अलग होता है। क्या प्रेगनेंसी में पेट का छोटा या बड़ा आकार वाकई में चिंता का विषय होता है? कई बार पेट का छोटा आकार यह दर्शाता है कि उनका बच्चा जेस्टेशनल एज से छोटा है। तो आइए जानते हैं स्मॉल फॉर डेट्स के बारे में। स्मॉल फॉर डेट्स का मतलब होता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा उस स्टेज से सामान्य रूप से काफी छोटा है। इसके लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड से बच्चे के सही विकास का पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्चे को मापने के बाद डॉक्टर्स उसकी तुलना शिशु के ग्रंथ चार्ट से करते हैं। क्योंकि स्मॉल फॉर डेट्स का पता लगाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए डॉक्टर्स आपको स्कैनिंग की सलाह देंगे। हालांकि स्मॉल फॉर डेट्स का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध वजह है। प्लेसेंटा की समस्या। प्लेसेंटा माँ और शिशु के बीच लाइफलाइन का काम करता है। यदि यह असफल हो जाएगा, तो आपके बच्चे को सही पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे उसके विकास में भी बाधा आएगी। प्लेसेंटा की समस्या तब होती है जब होने वाली माँ लगातार बीमार रहती है। जैसे यदि माँ को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो फिर उसे किडनी से जुड़ा कोई रोग है। धूम्रपान, शराब और ड्रग्स का सेवन यह स्मॉल फॉर डेट्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। यदि होने वाली माँ लगातार इन चीजों का सेवन करती है, तो इसका सीधा प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ता है। जेनेटिक असामान्यता या इन्फेक्शन कई बार गर्भ में पल रहे शिशु का खराब विकास किसी जेनेटिक असामान्यता या फिर इन्फेक्शन का भी कारण होता है। छोटे बेबी बम के कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि होने वाली माँ की उम्र। यदि होने वाली माँ 18 साल या 35 साल के ऊपर की हो, तो उसे स्मॉल फॉर डेट्स बेबी होने की का संभावना काफी बढ़ जाती है। आंकड़ों के मुताबिक जिन महिलाओं के पहली प्रेगनेंसी में उनके बच्चे स्मॉल फॉर डेट्स के शिकार हुए थे, उनकी दूसरी प्रेगनेंसी में भी इसका खतरा बना रहता है। अगर पहली प्रेगनेंसी में इसका कुछ विशिष्ट कारण था, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या धूम्रपान, और वो अब नहीं है, तो आपके बच्चे अब स्वस्थ हो सकते हैं। स्मॉल फॉर डेट से आपके बच्चे को बचाने के लिए आपको अपना खुद का खास ध्यान रखना होगा। तो ये थी स्मॉल फॉर डेट्स की कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए लोटस प्रेगनेंसी केयर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।